खास तो वो है, इसलिए तो तुम्हारा भाई उसके पीछे पागल है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा अम्मी आपने। सारिम की अम्मी तो आगे चली भी गई। आगे चली भी गई उसे मिले बगैर? तो फिर आपने अपनी पसंद की बहू लाने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा बाज़ुकात वही होता है जो औलाद चाहती है, वालदेन की कोशिश करने या चाहने से कोई फायदा नहीं होता। मेरी बात आज आखिरी मर्तबा सुन लो, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप अपनी मां के लिए अपनी बीवी को छोड़ देंगे? मां की खातिर तो मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूं, बीवी क्या चीज है? तो कुछ है ही नहीं आपकी, मैं भी देखती हूं। क्या कह रही हैं आप, मना कर दिया? हाँ मगर क्यों अम्मी? तुम्हारी बेहतरी के लिए। अम्मी आप जानती हैं ना कि मैं सारिम के बगैर नहीं रह सकती। बेटा मोहब्बत के बगैर जीना इतना दुश्वार नहीं है जितना इज्जत के बगैर होता है। सारिम मेरी इज्जत करता है, आपको अंदाजा है ना? जानती। आपने फिर भी मना कर दिया? हाँ सारिम की माँ तुम्हें कतई पसंद नहीं। आजकल कौन सी सास अपनी बहू को पसंद करती है? अगर वो अपनी पसंद की भी बहू लाएगी ना, एक दिन वो भी उसके लिए नापसंदीदा हो जाएगी। बेटा तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि सारिम की माँ किस कदर बदतमीज है। और आपने एक दिन में अंदाजा लगा लिया ना? हाँ, वो इंतहाई जिद्दी किस्म की औरत कि जिससे जो टकराए नुकसान उसी का हो। मैं ना अपना फायदा देखती हूँ और ना ही नुकसान। जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ बस। लेकिन बेटा सहेली को सालगिरह पर इतना महंगा तोहफा देना तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। फिर अब बोले। अच्छा बेटा जैसे तुम लोगों की मर्जी, तुम जानो और नवीद जाने। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, सो समझा दिया। मत समझाया करें आप मुझे, इसमें कोई फायदा नहीं है आपका। बेवकूफ औरत, शौहर की जेब से पैसे खींचने के भी कुछ तरीके होते हैं और मुझे इन सब पे चलना सब। इतनी मुश्किलों से तो अम्मी राजी हुई थी और आंटी मना करके चली गई। क्या वो भी मुझे टूटा हुआ देखना चाहती? मेरी अम्मी उनकी खुशामद करती रहेगी लेकिन वो हमारे घर में बैठी तक नहीं। उन्होंने ये सब इस वजह से किया है क्योंकि तुम्हारी अम्मी हमारे घर रिश्ता लेके नहीं आई थी बल्कि हमें नीचा दिखाने आई थी। नहीं नहीं ऐसा क्यों करेंगी वो? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तुम अपनी बहन से पूछ लेना कि वो रिश्ता लेकर आई थी या हमें जूता मारना है। तो ये वजह आंटी के मना करने की? जाहिर है इज्जत तो सबको अपनी प्यारी होती है। उफ, सारी सजाएं भुगतने के लिए क्या मैं ही रह गया? नहीं मैं रह गई हूं। एनी जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ।
तो फिर अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? जो कुछ करना है अब मैं ही करूं। तुम क्या करोगे? तुम गेस करो। मुझे भगा के ले जाओगे? बस यही सोचो तुम्हारी फिल्म है, मेरी फिल्म है। सुनो मेरी बात, करना ये है कि अम्मी क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? अम्मी कल मैं लाहौर जा रहा हूँ, आप ऐसा कीजिएगा कि अच्छी सी सोने की अंगूठी निकाल के मुझे दे दें। सोने की अंगूठी? अरे सोने की अंगूठी का तुम क्या करोगे? तुम तो खुद ही कहते हो कि सोना मर्द नहीं पहनते। अम्मी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपकी होने वाली बहू के लिए मांग रहा हूँ। अरे भाई लड़की अभी मिली कहाँ है जो तुम्हें सोने की अंगूठी की जरूरत पड़ गई? एनी वालों ने तो साफ मना कर दी है। मेरे ख्याल में मेरे नसीब में कराची में लड़की नहीं लिखी, शायद लाहौर में हो। एक्चुअली मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे दोस्त की वालदा को मैं बहुत पसंद हूँ और ये उनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ। अरे बेटा पता नहीं खामखाई कौन लोग हैं, उनकी लड़की कैसी है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं अम्मी बज़ाहिर तो अच्छे लोग हैं, बाकी अपना नसीब। अरे नहीं भाई ना, मैं यही कराची में कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी और तुम्हारी मर्जी की जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूंगी। अभी तो फिर एक काम कीजिए ना, एनी की वालदा को मेरे लिए कन्विंस कर लें वरना फिर अंगूठी निकाल कर दे दीजिए। एहतियातन ले ही जाता हूँ, मैं पैकिंग कर लूँ। अम्मी खाना पक गया? बस बन रहा है। अम्मी आपने अच्छा किया सारिम का रिश्ता मना करके। मैं जानती थी तुम्हें मेरा फैसला एक दिन जरूर पसंद आएगा। जी मुझे आपका फैसला बहुत पसंद आया और अब आपको मेरा फैसला भी बहुत पसंद आएगा। कैसा फैसला? मैंने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था। तुम अमेरिका जाओगी? तो क्या हुआ अम्मी, लोग पढ़ने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं, मैं यहां रह के क्या करूंगी? तुम्हारे साथ की लड़कियों की यहां शादियां हो रही हैं और तुम हो के पढ़ाई खत्म नहीं हो रही। अम्मी आप जानती हैं कि मैं सारिम के अलावा किसी को पसंद नहीं करती और अब सारिम की अम्मी हमारे घर आने से रहीं। बेटा क्यों नहीं आएंगी वो? अगर अपने बेटे से मोहब्बत करती होंगी तो जरूर आएंगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, बात तो सारी मोहब्बत की ही है वरना मोहब्बत के बगैर तो हर शख्स खाली है। ठीक कह रही हो ना? खाला क्या बनाया आज खाने में? दाल चावल। दाल चावल? ये तो मुझे नहीं खाने,
आप एक काम करें कि बाहर से मेरे लिए चिकन टिक्का, कबाब और परांठे ला दें। क्या मैं ले कर आऊं? बहुत दूर जाने को नहीं बोला, करीब से सब कुछ मिलता है। कोल्ड ड्रिंक भी आसे ले लीजिएगा। मैं नहीं जा सकती, तुम्हें खाना है ना, तुम खुद जाकर ले आओ। मैं बाहर जाऊं ताकि आप पीठ पीछे नवीद को ये कह सकें कि मैं आती जाती रहती हूँ बाहर, आप यही चाहती है ना? शहजादी तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। आप जा रही हैं बाहर या मैं कुछ और सुनाऊं? शहजादी आज तो तुम अपनी असलियत दिखाई दो, बताओ क्या सुनाना चाहती हो तुम मुझे, सुनाओ। हाँ हाँ बताओ, तुम क्या सुना रही थी अम्मा को, जरा बुजुर्ग को तो चलो। अभी ये मुझसे कह रही थी कि दाल चावल नहीं खाने इसको, बाहर से टिक्का बोटी और कबाब पराठे सब ला कर दूं इसको मैं। आप ला कर दें? हाँ अच्छा, तो आप अपने नाम की तरह तबीयत की भी शहजादी। आप सुन तो लेते नवीद कि मैं खाला जानी से क्या कहना चाह रही थी। कहो। नवीद वो असल में आप भाप बनने वाले हैं, तो मेरा सायका कुछ अजीब सा हो रहा था, बस मैं तो खाला जानी से इतना ही कह रही थी कि टिक्का मंगवा दें, थोड़े चक्कर से आ रहे थे मुझे। अरे अरे, अरे शहजादी संभालो अपने आप को, तो तुम मुझे फोन करके बताती ना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता बाहर से। चलो आओ तुम कमरे के अंदर चलो, मैं लेकर आता हूँ। आ जाओ। सारे मुझसे क्या कहना चाहता है ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ, पर अम्मी भाई ने ऐसी कोई खास बात तो नहीं की। मैं जानती हूँ वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं ऐनी की माँ के पास दोबारा जाऊं और उसे राजी करूं। वो क्यों? इसलिए कि उस ऐनी की बच्ची ने उसे राम कहानी सुना दी होगी, वो किसी से कम थोड़ी है। ओहो, तो इसका मतलब ये कि आपको ऐनी के यहाँ दोबारा जाना पड़ेगा। बेटे तो माओ के लिए भाई से फखर होते, हर मेरा बेटा मुझे बार बार ऐनी के घर भेज के बेइज्जत कर। वैसे एक बात है अम्मी, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। उसकी वजह मैं नहीं, वो ऐनी की बच्ची है जो जोंक की तरह मेरे बेटे के साथ चिमटी हुई है, जान ही नहीं छोड़ती। पड़ोसन बता रही थी तुम्हारी माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। जी। अब कैसा है उनका हाथ? पता नहीं। क्या मतलब, तुम देखने नहीं गए अपनी माँ को? नहीं। क्यों, तुम्हें जाना चाहिए? चली जाऊंगी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। माँ के लिए वक्त नहीं है? पहले तो सुबह शाम 10 चक्कर लगाती थी बहू बेगम, अब माँ के हाथ पर चोट लगी है तो देखने तक नहीं जा रही। आपको इतनी परेशानी है तो आप उनको जाकर देखाएं, आखिर आपकी भी तो उनसे कोई रिश्तेदारी होती है। नहीं बाबा मैं नहीं जा रही, ख्वामखा मेरी एक सीधी सी बात में से 10 टेढ़ी बातें निकाल लेंगी वो। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा ठीक बात कहती हूँ। आपकी कसम अदनान, अब नहीं जाऊंगी अम्मी के घर। ठीक है, एक बार फिर तुम्हारी नौटंकी देख लेता हूं।
अम्मी बोलो बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा की माँ के हाथ पे चोट लगी हो और वो उन्हें देखने ना गई? बेटा वो कह रही है वो नहीं गई तो नहीं गई होगी। और आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया? हाँ बेटा, मुझे वाकई ऐसे लग रहा है कि काफी दिनों से वो अपनी माँ के पास नहीं गई है, बल्कि मैंने उसे कहा भी था कि वो चली जाए। आप जानती नहीं हो उसे, वो झूठ बोलने में माहिर है। जब वो बगैर किसी वजह के अपनी माँ के पास दिन में 4 मरतबा जाने की आदी है, तो जब उसे ये पता चला होगा कि उसकी माँ के हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो वो तो भागती भी गई होगी, बल्कि दिन में 4 मरतबा जाती होगी आपकी आंखों में धूल झोंक कर। नहीं नहीं बेटा, सारा की माँ खुद शिकायत कर रही थी, बल्कि उनके फ्लोर के सारे पड़ोस में यही कह रही है। सब मिली भी होंगी हमें, जो सलमान आंटी ने कहा होगा वही सब बोल रही होंगी। मगर बेटा ये भी तो हो सकता है कि सारा वाकई नहीं गई हो। अब ऐसी भी फरमा बरदार नहीं है सारा जो यहाँ की हर बात माने, उसे तो अपनी माँ की हर बात सही लगा करती है। सारा का शुमार उन बीवियों में होता है जो ससुराल का खाती है और मैके का खाती है। मैंने कहा था ना कि तेरा शोहर मुंहजोर घोड़े की तरह है, वो कभी भी तेरी बात का मान नहीं रखेगा। लेकिन अम्मी, अभी मुझे आपके घर से आए हुए सिर्फ 15 दिन ही तो हुए थे। मेरा हाथ टूटे हुए 10 दिन हो गए और तू एक बार भी मुझे मिलने नहीं आई। अच्छा क्या पता था अम्मी, मेरा ख्याल था कि अदनान मुझे खुद आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। अरे मेरी पगलो बेटी, इन दिनों मियाँ बीवी के रिश्ते में बेयकीनी पहले नंबर पर है। ना शोहर बीवी पे भरोसा करता है और ना बीवी शोहर पर। लेकिन ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे बेटा अब अच्छी बातें कहाँ रही, और हम पागल हैं क्या कि इतने अच्छे बने कि लोग हमें निगल ही जाए। अम्मी आप, मुझे इतनी याद आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे तो बेटा जैसे पहले बहाना बनाकर आया करती थी, इस तरह अब आ जा। हाय वरना तेरा शोहर तो इतना जालिम है कि मैं मर भी गई ना तो मेरी शक्ल भी नहीं तुझे देखने देगा। वाकई अम्मी, क्या अदनान इतने बुरे हैं? नहीं इतना बुरा तो नहीं है। हाँ ये तो है, अदनान बुरा नहीं बदतरीन है। कि जो अब मिट नहीं सकते, मोहब्बत हम सफर मेरी। तुम्हारी माँ ने झूठ के अलावा और बोला ही क्या है? उन्होंने इस दफा भी ढोंग रचा है। आपने भी तो मुझे हमेशा झूठा ही समझा है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। खूबसूरत काबिल और स्मार्ट बेटा आपको मिल जाएगा, इसमें आप ही की भलाई है। और फिर आजकल के दामाद तो बेटों से बढ़कर होते हैं। नहीं नहीं मैं खुद ले लूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं है शिदा, जाओ शाबाश कमरे में, पानी लेकर आता हूँ। रूप बदले तो कोई पहचान।